Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this lecture, we will discuss some problems on mechanical properties of fluids. So let us start with our first question. The first question is, a block of wood, it floats in water with 4/5 of its volume submerged. If the same block just floats in a liquid, the density of the liquid in kg per meter cube is. So ethi question ese kochuga na gote wood ra block achi gote kaatha ra block achi जोटा कि कौन हो ना वाटर रे फ्लोट कर पानी रे फ्लोट कर भासुच्छे विथ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्स्ड से कौन कौन ना से वुड रो जहाँ भी वॉल्यूम अच्छे से ब्लॉक रो तार 4/5 पार्टा कौन हो ना पानी रे बुड़ी की अच्छी इफ द सेम ब्लॉक जस्ट फ्लोट्स इन ए लिक्विड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से कौन कौन ना जदि सेम ब्लॉक जदि कौन हम ना जस्ट फ्लोट कर लिक्विड रे ताहले से लिक्विड रो डेंसिटी टा केते हबो बुझेला क्वेश्चन ना तो ये आम देखिए कैसे सॉल्व कराए फास्ट कथा कौन ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल आम पूरा स्कूल लेवल रो पढ़ी तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन कौन ना गोटे बॉडी रो वेट टा जैसे वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और आम कह कौन वाटर जैसे डिस्प्लेस होती कह और आम मुझे सिंपली लिखुच वाटर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ठीक अच्छे तो फास्ट कथा हूँ कौन ना आम सपोज कनसीडर कर भि हूँ सपोज तार वॉल्यूम ठीक अच्छे वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ओके जदि आमर भि हूँ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक तो ताहले आम मुझे वाटर केस लिखुची फास्ट कथा कौन थरे वाटर प्लेस एंड थरे नेक्स्ट फास्ट जो आम वाटर प्लेस कर 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्स्ड नेक्स्ट केस कौन कर लिक्विड रे जितने ब्लॉक को आम लिक्विड रख दे सेम केस आम डेंसिटी पचारी सो लेट अस कंसीडर सपोज इन केस ऑफ वाटर आम कौन जानू ना वी रो इन टू जी ओके दैट विल बी इक्वल टू रो माने ये ब्लॉक रो डेंसिटी कौन दैट विल बी इक्वल टू 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सो 4/5 ऑफ वी इन टू रो कह ना वाटर इन टू जी बुझीगे बुझे लिखाई तो मैंने यहाँ हूँ आम नथिंग बट यहाँ हूँ आमर वेट फर मुझे जस्ट रफली कहीदे आम वेट को नॉर्मली कौन लिखा एम जी लिखती ना तो ये एम जगार मुझे कौन लिखिपरि ना एगेन डेंसिटी आम कौन जानू मास बाय वॉल्यूम तो मुझे मास जगार कौन लिखिपरि मास इक्वल टू मोर डेंसिटी इन टू वॉल्यूम सो ये एम जगार मुझे सिंपली रो इन टू वॉल्यूम लिखुच ये जी जगार जी लिखिदी बुझे तो सो वेट ऑफ द बॉडी तो ब्लॉक रमर वेटा के वी इंटू रो ऑफ द ब्लॉक इंटू जी ये भि हूँ कौन ब्लॉक रो वॉल्यूम ठीक अच्छे दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस सी आम वेट ऑफ द लिक्विड आम जो कौन सी कौन कौन 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्स्ड हो सो वॉल्यूमटा होते ना 4/5 ऑफ वॉल्यूम भी एंड अगेन सो ये आम डेंसिटी आम जगह कौन कले ना रो वाटर इंटू जी ओके सो ये सिंपली मुझे पार्टा को इरेज कर दूचे तो ताने आम ये कौन पाइले ना वि इंटू रो इंटू जी इक्वल टू 4/5 ऑफ वि इंटू रो इंटू जी सो ये भि गेट कैंसल जी जी गेट कैंसल सो दैट इम्प्लाइज रो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू 4/5 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर ना एबे आम कौन कर लिक्विड केस धर कैलकुलेट करके मुझे ऊपर करदे सो सपोज मुझे लिक्विड कनसीडर कर तो लिक्विड केस रे कौन होचे ना अगेन वी इंटू वॉल्यूम भि लिखुच मैंने वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ओके वी इंटू रो ऑफ द ब्लॉक इंटू जी दैट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट इज इक्वल टू जैसे डिस्प्लेस हो लिक्विड सो वी इंटू रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी बुझेगा ये से कही कौन ना से फ्लोट कर ओके तो से सिंपली भि पुट कर सो भि गेट कैंसल जी जी गेट कैंसल सो दैट इम्प्लाइज रो ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू रो ऑफ द लिक्विड बुझेगा एंड अगेन मुझे लिखिपरि कौन ना आम फास्ट जोटा कैलकुलेट करते डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू 4/5 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर तो मुझे ये तीन टा को कंपेयर करी सो यहाँ कौन हो ना रो ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू रो ऑफ द लिक्विड एंड दैट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द रो डब्ल्यू सो ये मुझे लिखिदेली सिंपली दैट इज इक्वल टू रो एन और सिंपली वी कैन राइट इट एज रो डब्ल्यू इक्वल टू 4/5 ऑफ ये मुझे लिखिदेव रो एल विल बी इक्वल टू 4/5 ऑफ द
रो डब्ल्यू डेनसीटी ऑफ द वाटर, डेनसीटी ऑफ द वाटर आम जानू कहते 10^3 बुझीगला। तो 10^3 को मुझे भांगी 10^3 को मुझे लिखुची 10 × 10^2 सो 85, 82 कटला। सो दैट विल बी 4 × 2 दैट इज 8 × 10^2 और आम सिंपली लिख पारे कौन ना 800 कौन ना केजी पर मीटर क्यूब। ए देखिए आंसरटा येस ये आंसर कौन हम ना 800 केजी पर मीटर क्यूब बुझीगला। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन ए लिक्विड द लिक्विड राइजेस टू ए हाइट एच इन द ट्यूब द फ्री लिक्विड सरफेस इनसाइड द ट्यूब इज हेमिस्फेरिकल इन शेप द ट्यूब इज नाउ पुश्ड डाउन सो दैट द हाइट ऑफ द ट्यूब आउटसाइड द लिक्विड इज लेस देन एच। से क्वेश्चन कौन दे देख टे से कौन गोटे कैपिलरी ट्यूब अच्छे आम कौन कले ना यहाँ सपोज लिक्विड अच्छी ता भितर आम कौन कर कैपिलरी ट्यूबटा को आम सपोज डीप करेंगे गोटे लिक्विड सो दैट लिक्विडटा कौन करुचे ना सम हाइट एच को राइज कर इनसाइड द ट्यूब सो द फ्री लिक्विड सरफेस इनसाइड द ट्यूब इज ए हेमिस्फेरिकल इन शेप तो या भितर कौन हो गोटे हेमिस्फेरिकल शेप आसूचे सो नाउ द ट्यूब इज नाउ पुश डाउन सो दैट द हाइट ऑफ द ट्यूब आउटसाइड द लिक्विड इज लेस देन एच। जदि एमती होउचे देन आम कौन कहींपर लिक्विड विल कम आउट ऑफ द ट्यूब लाइक इन ए स्मॉल फाउंटेन और लिक्विड विल कम आउट ऑफ द ट्यूब स्लोली और फ्री लिक्विड सरफेस इनसाइड द ट्यूब इज हेमिस्फेरिकल और द लिक्विड विल फिल द ट्यूब बट नॉट कम आउट ऑफ इट्स अपर एंड। तो ये कौन कौन ना द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द फ्री लिक्विड सरफेस इनसाइड दैट कैपिलरी ट्यूब इट विल चेंज इन सच ए वे दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्सेस जस्ट बैलेंस द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। सो ये सिंपली मुझे कहीपरुँ कौन ना ये केस कौन हम ना द लिक्विड विल फिल द ट्यूब फिल हो किंतु कौन हम ना इसे ट्यूब दे कि बाहर के आसपर बट नॉट कम आउट ऑफ इट्स अपर एंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते इफ W1 बी द वर्क टू बी डन टू फॉर्म ए बबल ऑफ वॉल्यूम V फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू फॉर्म ए बबल ऑफ वॉल्यूम टू रिलीज। तो कौन देखे ना W1 हूँ वर्क डन टू फॉर्म जदि आम गोटे बबल बनाऊँ जार वॉल्यूम अच्छे V तो वर्क डन हूँ कहते ना W1 से कहते के वर्क रिक्वायर हम जदि आम बबल वॉल्यूमटा को टू भी करा चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम कौन जानते ना आमर वॉल्यूम इक्वल टू मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट कर बबल सो दैट इज इक्वल टू कौन 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल इन शेप ना 4/3 पाई आर क्यूब सो तार रेडियसटा मुझे कहीपर कौन ना दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई है 3V डिवाइडेड बाय 4π⁻¹³ दिस इज द रेडियस ठीक अच्छे। एगेन तो वर्डनटा आम जो कैलकुलेट कर सपोज W सो W हम कौन ना S × 8π⁰² ये सब जिन मन रख S × 8π⁰² एगेन रेडियस जगह मुझे पुट करपरि सो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू S × 8π⁰ जगह मुझे पुट कर 3V/4π² बिकज ये 1/3 अच्छे स्क्वेयर था सो दिस विल बी 3V/4π² और सिंपली मुझे कह ना वर्डन इज प्रोपोर्शनल टू V/2/3 ये तो बुझा पड़गला वर्डन हो प्रोपोर्शनल टू V/2/3। अच्छा ये क्वेश्चन जो देखे से कहे कौन ना फास्ट वर्डन थी W1 बेले वॉल्यूमटा हो वी थी सो W1 इज प्रोपोर्शनल टू V/2/3 और V/1/2/3 तो जदि आमर वॉल्यूमटा V2 मोर कौन हो ना 2V जदि V2 मोर 2V V1 को सपोज मो वी बोली कनसीडर करुच्छे तो V2 जब 2V देन वार्डनटा के पचारे सो यटा को कौन करवा आम एवं मुझे W2/W1 लिखी सो दैट विल बी इक्वल टू V2/V1/2/3 जेहतु मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3 वॉल्यूम वार्डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/2/3 सो आई कैन राइट लाइक दिस सो दैट इम्प्लाइज मुझे कौन लिखी ना दिस इज इक्वल टू V2 जगह मुझे 2V पुट कली V1 जगह V पुट कली V/2/3 V गेट कैंसल दिस विल बी 2/2/3 और सिंपली 2^2/3 को मुझे कौन लिखी 2 स्क्वायर हो 4 × 1/3 सो W2 विल बी इक्वल टू 4/1/3 × W1 सो ता मैंने ये जो क्वेश्चनटा दे द केते वर्डन दरकार हे ना 4 पावर
वन बाय थ्री इंटू डब्ल्यू वन सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर बुझीगला। ये भले जिते क्वेश्चन निजे करपारे करदेवि जीपर बाकी निजे चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितक भी टाइम अच्छे जिते मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए लिक्विड विथ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन कहाँ पर डिपेंड कर, इट विल डिपेंड ऑन बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौलीज़ इक्वेशन फॉर स्टेडी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो एक्सप्रेस इज द, ये कौन एक्सप्रेस कर दिस विल बर्नौलीज़ इक्वेशन मैंने आखि बुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आउ किसी नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास इज जीरो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सब प्योर वाटर एंड ग्लास पे जीरो। ठीक अच्छे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इनक्रीजेस विद द इनक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ये भी ठीक अच्छे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इनक्रीज हम जो आम टेम्परेचर लिक्विड बढ़ेगा। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज लेस देन 90 डिग्री देन लिक्विड स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ये भी ठीक अच्छे, जो 90 डिग्री रू कमे जीव से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड और सॉलिड सरफेस भितर तो देन लिक्विडटा कौन सरफेस पर सॉलिड सरफेस पर स्प्रेड हो। ये भी करेक्ट अच्छे। नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इट डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड सरफेस। यहाँ सब मन रखा ये केवल भी डिपेंड करें। ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इट डजंट डिपेंड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड सरफेस। तो ताहले हमर कौन पचारे नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू मैंने दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सोप बबल फॉर्म एट द एंड ऑफ द ट्यूब इज ब्लोन वेरी स्लोली द ग्रैप ग्रैप बिटवीन द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द बबल विद द टाइम इज। तो आम कौन कर गोटे ट्यूब्रे आम जस्ट कौन कर फुंकी जो सोप बबलटा मैंने एमती कौन आम पाइप जब ब्लो करूँ तो सी कौन होना धीरे से आम बबलटा को कौन करी कर तो जो बबलटा बनुच्छे तो सी कौन एक्सेस प्रेसर इनसाइड दैट बबल विथ द टाइम। तो ग्राफिकली आम कमी रिप्रेजेंट करवा प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो फास्ट कथा कौन इनसाइड द सोप बबल पी विल बी इक्वल टू के सोप बबल हूँ 4s by r। दिस इज इंपोर्टेंट, एसटा हो कौन सरफेस टेंशन, पी इज द प्रेसर एंड आर इज द रेडियस। नाउ एठी आम कहींपर कौन ना पी हूँ आमर कौन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितेबाला आम आर्टा इनक्रीज करवा आर्टा हूँ कौन सोप बबल रेडियस। तो जो रेडियसटा इनक्रीज करसली कौन प्रेसरटा डिक्रीज कर तो मैंने कौन प्रेसर आठ टाइम सी पचारे कौन प्रेसर आउ टाइम रे। सो प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम जब मुझे बाहर करी कौन हम ना देख मुझे जो कही था कौन इफ आर इनक्रीजेस विथ द टाइम देन कौन हो पी डिक्रीजेस मुझे कह। तो आम जो वेरिएशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम करवा देन ओब्वियसली सी कौन करा ना गोटे पाराबोलिक पाथ दो। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर बुझेगा। एटा डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, देखिए विथ द इनक्रीज इन द टेम ये देख ये एनसीईआरटी बुक रो। ओके दिस इज योर एनसीईआरटी बुक रो। ठीक अच्छे, दिस आर ऑल योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ द इनक्रीज इन द टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ से कहे जब आम टेम्परेचरटा इनक्रीज करवा विस्कोसिटी कौन हम ना लिक्विड इनक्रीजेस एंड ऑफ गैस डिक्रीज लिक्विड केस रे से कहे जब आम टेम्परेचरटा इनक्रीज करवा तो विस्कोसिटीटा लिक्विड रे इनक्रीज कर आ गैस रे डिक्रीज कर ना लिक्विड रे विस्कोसिटी डिक्रीज कर गैस रे इनक्रीज कर और बोथ लिक्विड एंड गैस इनक्रीज कर और बोथ लिक्विड एंड गैस रे डिक्रीज कर या भितर कौ आंसरटा ठीक। एटा कौन हम ना लिक्विड पे डिक्रीज कर विस्कोसिटी आ गैस पे इनक्रीज कर ताने जो आम टेम्परेचरटा इनक्रीज कर विथ द इनक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस एंड द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इनक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज रिवर देखिए के वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 180 किलोमीटर पर आवर नियर द सरफेस। इफ द रिवर इज 5 meters डीप देन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज। से कौन कौन ना फास्ट कथा कौन कौन देखिए देखिए रिवर वेलोसिटी देखिए रिवर केते डीप अच्छे देखिए पचार कौन ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन कर सॉल्व कर तरीका हूँ कौन ये क्वेश्चन एक्चुअली टिके मिस्टेक अच्छे से जो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर एटा एक्चुअली डेटा गिवन दे देछि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिस इज एक्चुअली 10 पावर -3
पास्कल सेकेंड और दिस इज सिंपली आई कैन राइट 10^-2 पॉइज ठीक अच्छे जहाँ भी मुझे लिखिपरि 10^-3 पास्कल सेकेंड मुझे लिखी ये डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर इज गिवन क्वेश्चन पचार कौन एक्चुअली मुझे एक्चुअली यूनिटा देखी जापर क्वेश्चन टा कौन पचार एक्चुअली क्वेश्चन पचार ना सीयरिंग स्ट्रेस पचारिता से पचार ना सीयरिंग स्ट्रेस के सीयरिंग स्ट्रेस बिटवीन सरफेस लेयर एंड बॉटम लेयर ठीक अच्छे क्वेश्चन पचार सीयरिंग स्ट्रेसटा के वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन रिवर देखिए नियर द सरफेस इफ द रिवर इज 5 meters डीप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10^-3 पास्कल सेकेंड एंड देन पचार व्हाट इज द सीयरिंग स्ट्रेस बिटवीन सरफेस ऑफ द वाटर सरफेस एंड द बॉटम ऑफ द रिवर ओके ना आम जब यू कैलकुलेट करकुलेट करा ना फास्ट कथ हो ना जदि मुझ बॉटम ऑफ द रिवर कथ भावी तो बॉटम ऑफ द रिवर जो बॉटम पार्ट कौन वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज 0 सो सिंपली आई कैन राइट डीवी इक्वल टू 18 एटी कैसे दे 180 किलोमीटर पर आवर दिस वन विल बी एक्चुअली एटा एक्चुअली 18 किलोमीटर पर आवर ना ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन सागरें आंसर मिसवन दिस इज एक्चुअली 18 किलोमीटर पर आवर कहीं एत बड़ आंसर आसवन डीवी विल बी इक्वल टू के 18-0 है के 18 किलोमीटर पर आवर तो मैं आपको जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करी दिस विल बी 5/18 कैंसल सो दिस विल बी 5 meters पर सेकेंड ठीक अच्छे आम डीवी कैलकुलेट कले तो आम पचार कौन कहीं ये कैलकुलेट करें देख फास्ट कथा कौन सीयरिंग स्ट्रेसटा जेहतु मतलब पचारि सीयरिंग स्ट्रेसटा आम कौन करवा स्ट्रेस हूँ सब फोर्स पर एरिया जेहतु ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे तो से गोटे जिनस गेस कर कौन ना आम फोर्स टाक कौन लिख पार कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी (a)(dv/dx) दिस इज अवर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी फॉर्मूला सो सिंपली मु (f/a)टाक कौन लिख पार ना इटा (dv/dx) तो ताने मत डी दरकार आउ डीएक्स दरकार कहीं मत इटा तो जना अच्छे इटार वैल्यू गिवेन देती ना 10^-3 पास्कल सेकेंड ठीक अच्छे यहाँ मतलब गिवेन दे इटार वैल्यू तो ये डीटा कौन ना बॉटम ऑफ द वाटर रिवर रे तार वेलोसिटी होची 0 सो यहाँ अपर सरफेस रे 18 सो दिस विल बी 18 × 5/18 जब मुझे करी दिस विल बी 5 meters पर सेकेंड तो ये वेलोसिटी मत मिलगला 5 एगेन डीएक्सटा के डीएक्सटा देते मीटर डीप अच्छे इट इज 5 meters डीप ठीक अच्छे जेहतु 5 meters डीप दे तो ताने मत कौन दे डीएक्स वैल्यू भी एगेन 5 दे जदि मुझे सबुतक नहीं पुट करुँ सो दिस विल बी इक्वल टू या जगह जब मुझे पुट करुँ इटार वैल्यू के 10^-3 इंटु ये डीवी/डीएक्स मैंने 5/5 (1)/5 मैंने 1 सो आम आंसर के 10^-3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ये देख आंसर दिस विल बी 10^-3 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर जदि बायचान्स परीक्षा गोटे क्वेश्चन भूल भी आसला जमी निजे टे अंदाज लगे कर तो गोटे ग्रेस मार्क मिले से ग्रेस मार्क कथा छाड़ स्टिल तुम जो सल्व कर पार ठीक अच्छे तो ये एत बड़ नंबरटा देखिए निजे जापर कौन मत एत बड़ आंसर ही आसवन ओके लेट इट बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट पचार ओके से कह ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर ठीक अच्छे ब्लडटा अधिक विस्कस द ब्लड प्रेसर इन ह्यूमन इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन एट द फीट देन एट द ब्रेन दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट कौन भाई ना एक्चुअली कौन हो ब्लड प्रेसरटा फीट रे द ब्लड प्रेसर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन फीट रे अधिक था ब्लड प्रेसर कम है ना जिते बड़े बिकज द हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम इन अ ह्यूमन बॉडी इट इज मोर एट द फीट देन एट द ब्रेन सो वी कैन से दैट द ब्लड प्रेसर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन इन द ब्रेन नाउ द नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद द ग्लास इज ऑब्टूस फाइट एट द फाइल दैट ऑफ द वाटर विद द ग्लास इज एक्यूट यही आम कौन जानू कौन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मर्क्यूरी सहित ग्लास रे सब ऑब्टूस हे एंड वाटर सहित ग्लास रे एक्यूट हुए सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट नेक्स्ट देखिए ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर फॉलोज ए पाराबोलिक ट्राजेक्टोरी सो ताने कौन ना केवल दिस वन इज इनकरेक्ट बाकी सब तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
दिस इज स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर आर फॉलिंग इन ए विस्कस फ्लूइड ऑफ वेलोसिटी वी द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल इज सी कौन स्फेरिकल बॉल अच्छे तार रेडियस आर अच्छे सी गोटे विस्कस फ्लूइड रे वेलोसिटी वी रे फॉल कर रिटार्डिंग माने कौन अपोजिट डायरेक्शन रे जते बेले जाउछ सो दैट इज द रिटार्डिंग फोर्स ओके एक्सीलरेशन तार उल्टाटा हो कौन मतलब अपोजिट जस्ट एक्सीलरेशन अपोजिट हो रिटार्डेशन सो द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल से कहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड द वेलोसिटी या भितर कोटा ठीक हो तो आम जानू कौन आम जानू स्टोक्स लॉ कह एफ इक्वल टू सिक्स बाय इटा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू द रेडियस इनटू द वेलोसिटी ठीक अच्छे तो ये आम हूँ कौन ना सी कौन रिटार्डिंग विस्कस फोर्स ये जो विस्कस फोर्स होटा आम कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर एटा हूँ स्टोक्स थ्योरम तो ये जो स्टोक्स लॉटा पढ़ला तो ये कौन एमती तुमको डायरेक्टली एमती ऑप्शन देखिए पचार ना गोटे न्यूमेरिकल दे आर ओ भी वैल्यू दे थो विस्कोसिटी दे थो फोर्सटा पचार थे विस्कोस फोर्स तो निजे जापर से मत कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी स्टोक्स लॉ अप्लाई करार अच्छे अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इज तो सी कहे जदि गोटे बॉडीटा फॉल करदी से टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कला तो से ही जगह तार एक्सीलरेशन कौन हो ना जीरो हो जाए सो दिस वन इज इंपोर्टेंट सो द एक्सीलरेशन विल बी जीरो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सॉलिड स्फीयर फॉल्स विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी वी इन एयर इफ इट इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम देन टर्मिनल वेलोसिटीटा के केस कौन हम जिते गोटे सॉलिड स्फीयरटा वैक्यूम रे फॉल कर तो से ही जगह कौन किसकस फोर्स से स्फीयर उपर आसवानी बुझे कि एनी नो विस्कस फोर्स विल आक्ट ऑन द स्फीयर सो आम कहींपर कौन ना द स्फीयर विल फॉल अंडर द ग्राविटी केवल ग्राविटी आक्ट कर स्फीयर उपर सो ड्यू टू दैट द स्फीयर नेवर अटेंड द टर्मिनल वेलोसिटी सो हियर द आंसर विल बी स्फीयर नेवर अटेंड द टर्मिनल वेलोसिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन कुकिंग ऑयल इज हीटेड इन ए फ्राइंग पैन द ऑयल मूव्स अराउंड इन द पैन मोर इजिली व्हेन इट इज हॉट द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट विद द राइज इन द टेम्परेचर देर इज अ डिक्रीज इन से कहे जिते बड़े आम कौन कर कुकिंग ऑयलटा हिट कर गोटे फ्राइंग पैन ने से ऑयलटा कौन हो पैन जो फ्राइंग पैन अच्छे चारिपटे मोर इजिली चली जाऊँ जो हट हो मैंने जो गरम हो फ्राइंग पैनटा तो से कौन होना ऑयलटा से फ्राइंग पैन चारे चली जाऊँ सो बिकज ऑफ व्हाट को रीजन पर डेंसिटी और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को रीजन पर एमती हो सो द करेक्ट आंसर विल बी विस्कोसिटी देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ से ये पचार क्वेश्चन बोधे आम करके आसने सो दिस विल बी विस्कोसिटी गैस रो इंक्रीज हे आ लिक्विड केस रे डिक्रीज कर देन ये गोटे भल क्वेश्चन देखिए से कहे आठटा ड्रप्स ऑफ वाटर देर आर eight drops of water each of radius 2 mm they are falling through air at terminal velocity of 8 cm per second if they coalesce to form a single drop then the terminal velocity of the combined drop will be se ko je 8 ta drop ache water okay in the 8 ta drop ache to each radius hoche kete na 2 mm jetor tara terminal velocity hoche kete na 8 cm per second so je jodi ei sabu 8 ta ko water drop misi ki gote single drop banau jani देन ताले ए कंबाइंड ड्रॉप ये जो आठटा मिसिक जो गोटे सिंगल ड्रॉप बनई ना तार टर्मिनल वेलोसिटी के पचारे तो मैंने ये जब आम करमी कर तो जदि मुझे लार्ज जोटा बनला तो तार सपोज रेडियस हो कैपिटल आर बाकी जो स्मलर ड्रॉप आठटा थी ताच इंडिविजुआल सपोज रेडियस हो स्मॉल आर एटा स्मलर ड्रॉप स्मॉल आर गोटे लार्जर ड्रॉप धर लार्जर आर तो मैंने कौन हम ना लार्जर ड्रप वॉल्यूमटा जहाँ दिव 4/3 पाई आर क्यूब दैट विल बी इक्वल टू ए आठटा कर जो आठटा ड्रप थी इंडिविजुअल तो तार वॉल्यूम सहित सामान हम सो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब मुझे लिखी तो ये जी 4/3 पाए 4/3 पाए कैनसल हो सो दैट विल बी इक्वल टू आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब तो मुझे 1/3 करदे पावर सो दिस विल बी आर विल बी इक्वल टू 2 आर ठीक अच्छे एगेन आम जानू कौन ना टर्मिनल वेलोसिटी जोटा अच्छे सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस रो स्क्वायर
ठीक अच्छे अदरवैज मुझे लिखिपरि कौन ना धर मुझे दुईटा भी लिखुची धर कैपिटल आर पर मो कैपिटल भी प्राइम लिखुची एंड स्मॉल आर पर भी लिखुची सिंपली सो आई कैन राइट भी प्राइम बाय भी विल बी इक्वल टू जेहतु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो आई कैन राइट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर एमती लिखिपरि बुझेगला तो कैपिटल आर टा हूँ टू आर सो दैट विल बी टू आर र स्क्वायर है फोर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर गेट कैनसल दैट विल बी इक्वल टू फोर सो मुझे कहींपरि कौन ना भी प्राइम विल बी इक्वल टू फोर भी और लार्जर जो लार्जर ड्रॉप बनी सिंगल ड्रॉप बनी तार वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जो इंडिविजुअल टर्मिनल वेलोसिटी थी तार फोर टाइम्स तो ये आम क्वेश्चन कौन गिवन था से देखिए इंडिविजुअल आठ सेंटीमीटर पर सेकेंड थी सो एट इंटू फोर यहाँ के ना थर्टी टू सो दिस विल बी थर्टी टू सेंटीमीटर पर सेकेंड बुझेगा क्वेश्चन बहुत सहज खाली जब जानी थो कि नहीं ये टोटल खाली आम कौन कल ना वॉल्यूम कंपेयर कर ठीक अच्छे मुझे बेस रिपीट करनी खाली टाइम वेस्ट हेनी जमी जो मैंने जानी थे स्किप करके जैसे मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन देखिपर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट देखिए वाटर इज कन्वर्ट थ्रू ए यूनिफॉर्म ट्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3140 मीटर इन लेंथ एट द रेट 2×10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड से पचारे द प्रेसर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो इज ये क्वेश्चन ने जो दे कौ कौन जदि गोटे यूनिफॉर्म ट्यूब अच्छे या भितर जब वाटर पास कर यार डायमीटर दे तार लेंथ दे केट्रे जा सब गिवेन से कहे क्वेश्चन कौन केेसर दिहब सो दैट कि कौन ना ये जो वाटर फ्लो होटा मेन्टेन हो पार ओके तो ताने फास्ट कथा हूँ कौन पॉइसलीज फॉर्मूला कहे जो रेट ऑफ फ्लो अच्छी रेट ऑफ फ्लो ए दिस रेट ऑफ फ्लो दैट इज इक्वल टू सपोज मु वी लिखुचे रेट ऑफ फ्लो वी दैट इज इक्वल टू पाए पी आर पावर फोर डिवाइडेड बाय एट इटा एल दिस द फॉर्मूला फॉर द पॉइसलीज ओके एटा हूँ आम पॉइसलीज फॉर्मूला तो पॉइसलीज फॉर्मूला कौन कौन ना रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू पाए पी आर पावर फोर डिवाइडेड बाय एट इटा एल ये पीटा हूँ कौन प्रेसर आर टा हूँ कौन रेडियस आटाटा हूँ कौन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एल हूँ लेन तो ये सब डेटा गिवन अच्छे तो आम खाली प्रेसर पी पचारा तो पी इक्वल टू कौन हो ना पी इक्वल टू एट इंटू दिस इज योर रेट ऑफ फ्लो वी सपोज इटा एल डिवाइडेड बाय पाए इंटू आर पावर फोर ठीक अच्छे सबुर वैल्यू गिवेन अच्छे ये डायमीटर दे आठ मैंने रेडियसटा के जो 4 सेंटीमीटर ताको पुणी मीटर कन्वर्ट करी निजे ये फॉर्मूला रे पुट करके आंसर बाहर कर पारे ओके मैं स्किप कली मैंने फॉर्मूला लिखिदेली निजे भी खाली वैल्यू पुट करके आंसर कर पार नेक्स्ट देख सिमिलर गोटे क्वेश्चन ये जस्ट जो पूर्व क्वेश्चन करोली या पूर्वटा या पूर्व मैंने 68 क्वेश्चन ओके देखिए ए मेटालिक स्फीयर ऑफ मास एम इट फॉल्स थ्रू ए थ्रू ग्लिसरीन विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी वी से कहे इफ यू ड्रॉ ए बॉल ऑफ मास 8 एम ऑफ सेम मेटल इनटू ए कॉलम ऑफ ग्लिसरीन देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी तो ये से जो क्वेश्चन देखी ता मैंने कौन दे गोटे मिनट जो मेटालिक स्फीयर ऑफ मास एम अच्छे तो ताकि मुझे लिखुची ए सपोज मुझे डेनसीटी लिखुची डेनसीटर डेनसीटी हूँ कौन मास बाय वॉल्यूम तो मासटा हूँ कौन डेनसीटी इंटू वॉल्यूम सो मास एम विल बी इक्वल टू 4/3 पाए सपोज मुझे लिखुची स्मॉल आर क्यूब इंटू रो डेनसीटी जदि सी कौन इफ यू ड्रॉ ए मास ऑफ 8 एम कौन सो 8 एम टा के लिखुचे ना दिस इज इक्वल टू सपोज 4/3 पाए यहाँ हूँ आम रेडियस सपोज कैपिटल आर क्यूब इंटू रो ठीक अच्छे तो ये आम कौन हो मुझे जब कंपेयर करी और ये जब मुझे एम जगह पुट कर 4/3 ए एम रैल्यूटा धर पुट कर दिली 4/3 पाए आर क्यूब रो दैट विल बी इक्वल टू के 4/3 पाए कैपिटल आर क्यूब इंटू रो सो 4/3 पाए 4/3 पाए कैनसल होगा रो रो कैनसल होगा तो मैंने मुझे कौन कहीपरि 8 आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब मैं यह कहीपरि और सिंपली आई कैन राइट जदि मु पावर 1/3 करदेवि कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 2r ठीक अच्छे एगेन आम जानू कौन ना वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जेहतु वी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सो मुझे वी प्राइम डिवाइडेड बाय वी लिखी सो दैट विल बी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर होल स्क्वायर और ये आर टा के 2r सो दिस विल बी 2r बाय आर होल स्क्वायर आर आर गेट कैनसल दिस विल बी इक्वल टू 4 बुझेगा तो ये आंसर कौन हम ना सिंपली वी प्राइम विल बी इक्वल टू मुझे लिखिपर कौन ना 4v क्वेश्चन कौन पचार
क्वेश्चन पचारे कौन ना जदि आम ड्रप कर गोटे बॉल ऑफ मास 8 एम माने आठटा सिंगल मास एम होता है ये धर आठटा मास एम 8 मास टोटल मास हो 8 टाइम्स ऑफ एम और आम जमी कंबाइन करदे आठटा वाटर ड्रप को कंबाइन कर सिंगल ड्रप जमी बन ये सेमती सेम मेटल एंड कलम ऑफ ग्लिसरीन देन टर्मिनल वेलोसिटी के 4V। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए से कह गए स्क्वायर प्लेट अच्छी 0.1 meter साइड मोस्ट पैरेलल टू द सेकंड प्लेट विथ ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 meter per second। दीटा का प्लेट बीइंग इमर्स्ड बोथ द प्लेट्स बीइंग इमर्स्ड इन वाटर इफ द विस्कस फोर्स इज दिस मच एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस इज दिस मच देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पचार तो ये एक्चुअली कौन ना सिंपली कौन पुट करो ना एफ इक्वल टू इटा ए डीवी बाय डीएक्स ठीक अच्छे कौटे को फॉर्मूला यूज कर तुम क्वेश्चन देखिए जानव ये कौन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी माने कौन इटा दे दीजिए डिस्टेंसटा पचारे माने तुमको कौन पचारे डीएक्सटा पचारे ठीक अच्छे स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 meter दे 0.1 meter मूव्स पैरेलल टू द सेकंड प्लेट विथ ए वेलोसिटी एति तो ताने ये जेहतु स्क्वायर प्लेट दे 0.1 meter साइड तो ताने एरियाटा हूँ के 0.1 र स्क्वायर बुझुजी एटा हम ए वैल्यू जदि हम तो ताने के 0.1 र स्क्वायर हो बुझीगला डीटा के ना ये हूँ के 0.1 meter per second दिस इज योर डी तो सब वैल्यू दे दीजिए सिंपली खाली ये पुट करके डीएक्सटा कैलकुलेट कर एफ र वैल्यू भी अल्सो दे दीजिए 0.002 newton। ओके सब वैल्यू गिवेन दे दीजिए दिस इज योर 0.002 newton तो आमको सिंपली पुट करके आम कौन करें ना कैलकुलेट कर पार बुझीगला सो एफ इक्वल टू दिस इज योर एफ इक्वल टू इटा ए डीवी बाय डीएक्स ठीक अच्छे तो यूर आम डीएक्स जेहतु कैलकुलेट कर सो डीएक्स विल बी इक्वल टू इटा ए डीवी डिवाइडेड बाय एफ। ओके यहाँ आम कैलकुलेट कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इन ए लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय दिस विल बी योर रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स रिप्रेजेंट्स दिस इज ऑल्सो द रेनॉल्ड्स नंबर। द फ्लो रेट ऑफ ए क्वेश्चन जो देखिए यहाँ निजे कर द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर दिस मच इज 3 liter per minute द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज दिस मच देन नेचर ऑफ द फ्लो कौन हम अनस्टडी लैमिनार टर्बुलेंट और नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर सो टर्बुलेंट फ्लो पे रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू कितने हम ना दिस विल बी ग्रेटर देन 2000। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेन ड्रॉप्स आर इन स्फेरिकल शेप ड्यू यहाँ सब जानते हमें रेन ड्रॉपटा कौन पे स्फेरिकल ना बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज दिस मच दे ओके सरफेस टेंशन देखिए एस इक्वल टू 0.465 newton per meter 465 newton per meter यहाँ लास्ट क्वेश्चन आउ कर ये गोटे करदे एक्सेस प्रेसर सी पचार एक्सेस प्रेसर के इनसाइड द मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ डायमीटर 6 mm तो डायमीटर देखिए मैंने आम रेडियसटा बाहर करवा के 6/2 मैंने के 3 mm इंटु 10^-3 करदे यहाँ होगा के मीटर हो गला आमको कौन प्रेसर कैलकुलेट करने पड़ो तो प्रेसर जब मुझे मर्क्यूरी ड्रॉप रो कैलकुलेट करुचे दैट इज इक्वल टू 2 into सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय एयर सो दिस इज सिंपली 2 into 0.465 डिवाइडेड बाय आर हो जी केते ना 3 into 10^-3 तो याकु जदि हमें कैलकुलेट करिए यार आंसर केते हो ना 310 pascal सिंपली पी इक्वल टू 2s/r पुट करके आम कैलकुलेट कर पारे। ओके आ गोटे क्वेश्चन कहीदे सी देखिए फॉर ए सरफेस मॉलिक्यूल दीटा करदे फॉर ए सरफेस मॉलिक्यूल से कहे नेट फोर्स नॉन जीरो नेट फोर्स जीरो और द नेट डाउनवर्ड फोर्स और देर इज ए नेट अपवर्ड फोर्स तो ये कौन हम देर इज ए नेट डाउनवर्ड फोर्स। ओके सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस ए नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेक्स्ट पचारे कौटा करेक्ट अच्छी विस्कोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी सरफेस टेंशन इज देखो विस्कोसिटी टा वेक्टर क्वांटिटी नुह विस्कोसिटी होची गोटे स्केलर क्वांटिटी सरफेस टेंशन को गोटे वेक्टर क्वांटिटी सरफेस टेंशन टा अल्सो स्केलर क्वांटिटी रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहि किंतु रेनॉल्ड्स नंबर कौन डायमेंशन अच्छी। नेक्स्ट कौन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो दिस वन इज केवल एंगल ऑफ कांटेक्ट गोटे वेक्टर क्वांटिटी दिस वन इज करेक्ट बाकी तीन टाक भूल अच्छे ठीक अच्छे ये क्वेश्चन आम नेक्स्ट लेस करवा ये देख खाली क्वेश्चन देखी देखिए जाओ कि बबल ऑफ द
एटी पचार क्वेश्चन सरफेस टेंशन टा दे एतिके टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रे सरफेस टेंशन इज गिवन से पचार एक्सेस प्रेशर केते हो सोप सॉल्यूशन सोप सॉल्यूशन ने कले कौन हम ना सब मन रख सोप सॉल्यूशन पे जो आम बाहर करें प्रेशर हो केते ना 4s / r जदि आम एयर बबल थी एयर बबल पे हूँ 2s / r जेहेतु आम कौन सोप बबल देखुन सोप बबल जेहेतु दुईटा लेयर थाए तो से आम कौन कौन ना तार हूँ 4s / r किंतु आम एयर बबल पे हूँ कैसे ना 2s / r सो आज से पुणी नेक्स्ट क्लास देखा के मैक्सिमम क्वेश्चन हो पार्टी थैंक यू ऑल।